जल जीवन हरियाली के लिए मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर जयनगर के एसडीओ ने अपने कार्यालय में की बैठक। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला निर्माण की यह पहल बिहार सरकार की दूरगामी पहल है। जयनगर में 21 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर पे है। या ब्लॉक या एजुकेशन डिपार्टमेंट या अनुमंडल नहीं संभव है कि अकेले मानव श्रृंखला हम लोग कर लें। तो आप सभी जितने भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं प्लस जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन सभी का सहयोग हम लोगों का चाहिए। सभी हम लोग 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपस्थित करने के लिए हम लोग कर पाएंगे और हमारा मानव श्रृंखला जो है सक्सेसफुल बन पाएगा। तो इसके लिए हम लोग अपने स्तर से जो प्रशासनिक है उसकी तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी सहयोग मिले। हम लोग को जब तक आप लोगों का जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसमें आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा मानव श्रृंखला का रूट है उसमें हम लोग विजिट करें, पंचायतों में विजिट करें, जगह जगह जाकर के जो लोगों को मोटिवेट करें उस मानव श्रृंखला में आने के लिए आमंत्रित करें। जयनगर में बढ़ रहे अपराध व पुलिस के नाकामयाबी तथा पुलिस अपराधी गठजोड़ के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी भाकपा माले बहुत जल्द।